देश तेज गति से निरंतर अग्रसर है। वर्तमान में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर में प्रमुखतः भगवत गीता व योग साधना से समस्त विश्व लाभान्वित हो रहा है। एक ऐसी संस्कृति जिसके लिए सब कुछ ग्राह्य है, जो सबको आत्मसात करती है, सबको साथ लेकर चलती है, और यही संस्कृति न्यू इंडिया का भी आधार है। ऐसी संस्कृति जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर विश्वास रखती है। भारत संत मनीषियों और साधकों की समृद्ध परंपरा से अभिसिंचित भूमि है, जिसमें ब्रज भूमि अलौकिक है। देश की ये संत परंपरा हमारी एक गौरवशाली विरासत की अमूल्य निधि है। मध्यकालीन भारत में अनेक महापुरुषों का जन्म इस पावन भूमि पर हुआ था। उसी क्रम में भक्त मीराबाई के जीवन दर्शन व भक्ति की माधुर्य भावना से ओतप्रोत काव्य से हम सदैव ऊर्जा प्राप्त करते रहे हैं। आज से 525 साल पहले मारवाड़ रियासत के गांव कुड़की में सन 1498 ईस्वी में मीरा जी का जन्म हुआ। आपके जन्म का नाम मेहरी कुंवरी था। प्यार से इनको सभी मीराबाई के नाम से पुकारते थे। श्री कृष्ण की भक्ति मीराबाई को आकर्षित कर रही थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यही साधना और तपस्या की भावना मीराबाई को वृंदावन की ओर आकर्षित करती रही। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गो गोविंद जी को, निर्मल नीर बहत यमुना को भोजन दूध दही को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। उनका कृष्ण प्रेम विरह भाव में अश्रुपात आदि को देखकर वृंदावन के नर नारी समझने लगे कि भगवान श्री कृष्ण की वो परम भक्त हैं। आज भी प्रभु श्री कृष्ण के भक्तों में मीराबाई का स्थान सर्वोपरि है। मीराबाई ने वृंदावन के गोविंद बाग में जिस स्थान को अपनी साधना के लिए चुना था, आज उस स्थान पर मीराबाई का मंदिर सुशोभित है। इस मंदिर में प्रभु विग्रह के दाहिनी दिशा में मीराबाई की भजन कुटीर है। इस पावन स्थली में प्रवेश करते ही अलौकिक भाव स्वतः स्फूर्त होता है। रैदास जी के प्रति उनका आदरणीय भाव था। ब्रज के संत वल्लभाचार्य जी, विठलनाथ जी एवं षड गोस्वामियों की भक्ति और तपस्या से वह बहुत प्रभावित हुई। यही कारण है कि उनके पदों में सगुण भक्ति का पूर्ण भाव परलक्षित होता है। वृंदावन में भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए वह नियमित यमुना में स्नान करने के बाद निधिवन, सेवा कुंज, ब्रह्म कुंड, राधा बल्लभ जी आदि मंदिरों में भगवान के दर्शन कर नए नए पदों का गायन करते हुए भाव विभोर होकर नृत्य करती थी। मीराबाई अनवरत वृंदावन में 15 वर्ष रही। वह वर्ष 1546 ईस्वी में द्वारिका चली गई, जहाँ रणछोड़ दास जी की भक्ति में वो सदैव के लिए विलय हो गई। मीराबाई जी अहिंसा और सहिष्णुता के भाव के साथ पूरी निष्ठा से अपने प्रभु श्री कृष्ण की अटूट भक्ति के मार्ग पर जीवन भर चलती रहीं। प्रभु प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा को छूने वाली संत मीराबाई जी का संपूर्ण जीवन, उनके भक्ति गीत और आदर्श सभी को अपने आराध्य के लिए समर्पित होने और प्रेम व करुणा के भाव के साथ सबके कल्याण का संदेश देते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। प्रभु श्री कृष्ण की परम भक्त संत मीराबाई। देवियों सज्जनों, भारत देश के लिए वर्तमान समय जो है वो पुनर्जागरण का काल है। पूरी गति और पूरी शक्ति से
भौतिक प्रगति, साथ ही साथ देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना, इन सभी दृष्टियों से ये पुनर्जागरण का काल है और इस पुनर्जागरण की प्रेरणा है, इसके ध्वजवाहक हैं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आपके करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय से उनके उद्बोधन के लिए, उनके संबोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कार्यक्रम में उपस्थित ब्रज के पूज्य संतगण, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री में, मंत्रिमंडल के और सहयोगी गण, मथुरा की सांसद बहन हेमा मालिनी जी और मेरे प्यारे ब्रजवासियों, सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ, क्योंकि मैं राजस्थान में चुनाव के मैदान में था और उस मैदान से अब इस भक्ति वातावरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लालजी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है, यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं, और इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है सप्त द्वीपेशु यत् तीर्थ भ्रमणात् च यत् फलम् प्राप्यते च अधिगम तस्मात् मथुरा भ्रमणीयते। अर्थात विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। आज ब्रज रज महोत्सव और संत मीराबाई जी की 525वीं जन्म जयंती समारोह के जरिए मुझे एक बार फिर ब्रज में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मैं दिव्य ब्रज के स्वामी भगवान कृष्ण और राधा रानी को पूर्ण समर्पण भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मैं सांसद बहन हेमा मालिनी जी का भी अभिनंदन करता हूं।
वो सांसद तो है लेकिन ब्रज में वो रम गई है। हेमा जी न केवल एक सांसद के रूप में ब्रज रस महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी भावना से जुटी है बल्कि खुद भी कृष्ण भक्ति में सरोबार ऐने होकर प्रतिभा और प्रस्तुति से समारोह को और भव्य बनाने का काम करती। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए इस समारोह में आना एक और वजह से भी विशेष है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। संत मीराबाई ने वृंदावन भक्ति से अभिभूत होकर कहा था, आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। इसलिए जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है तो हम इसे द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं। और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। मेरे परिवारजनों, मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है, ये भारत की प्रेम परा का उत्सव है। ये उत्सव नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है। जिसे कोई अद्वैत कहता है, आज इस महोत्सव में अभी मुझे संत मीराबाई के नाम पर स्मारक सिक्का और टिकट जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मीराबाई राजस्थान की उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सींचा था। मीराबाई ने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को बहुत ही आसान भाषा सहज रूप से समझाया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे, उनकी श्रद्धा में आयोजित ये कार्यक्रम हमें भारत की भक्ति के साथ साथ भारत के शौर्य और बलिदान की भी याद दिलाता है। मीराबाई के परिवार ने और राजस्थान ने उस समय अपना सब कुछ झोंक दिया था। हमारी आस्था के केंद्रों की रक्षा के लिए राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आज का ये समारोह हमें
मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ साथ उस पराक्रम की परंपरा की भी याद दिलाता है। और यही तो भारत की पहचान है, हम एक ही कृष्ण में बांसुरी बजाते कर्ण कान्हा को भी देखते हैं और सुदर्शन चक्रधारी वासुदेव के भी दर्शन करते हैं। मेरे परिवारजनों, हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। ये बात ब्रज व्यासियों से बेहतर और कौन समझ सकता है। यहां कन्हैया के नगर में भी लाडली सरकार की ही पहले चलती है। यहां संबोधन, संवाद, सम्मान सब कुछ राधे राधे कहकर ही होता है। कृष्ण के पहले भी जब राधा लगता है तब उनका नाम पूरा होता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं ने हमेशा जिम्मेदारियां भी उठाई हैं और समाज का लगातार मार्गदर्शन भी किया है। मीराबाई जी इसका भी एक प्रखर उदाहरण रही है। मीराबाई जी ने कहा था, जेताई दिसई धरनी गगन बीच तेता सब उठ जासी, इस देही का गर्व ना करना माटी में मिल जासी। यानी तुझे इस धरती और आसमान के बीच जो कुछ दिखाई दे रहा है इसका अंत एक दिन निश्चित है। इस बात में कितना बड़ा गंभीर दर्शन छिपा है ये हम सभी समझ सकते हैं। साथियों, संत मीराबाई जी ने उस कालखंड में समाज को वो राह भी दिखाई जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत के ऐसे मुश्किल समय में मीराबाई जैसी संत ने दिखाया कि नारी का आत्मबल पूरे संसार को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु माना और खुलकर कहा भी, गुरु मिलिया संत गुरु राव रविदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी। इसलिए मीराबाई मध्यकाल की केवल एक महान महिला ही नहीं थी बल्कि वो महान समाज सुधारकों और पथ प्रदर्शकों में से भी एक रही। साथियों, मीराबाई और उनके पद वो प्रकाश है जो हर युग में हर काल में उतने ही प्रासंगिक है। अगर हम आज वर्तमान काल की चुनौतियों को देखेंगे तो मीराबाई हमें रूढ़ियों से मुक्त होकर अपने मूल्यों से जुड़े रहने की सीख देती है। मीराबाई कहती हैं, मेरा के प्रभु सदा सहाय, राखे विघ्न हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पै बलि जाए। उनकी भक्ति में सरलता है पर दृढ़ता भी है। वो किसी भी विघ्न से नहीं डरती है, वो सिर्फ अपना काम लगातार करने की प्रेरणा देती है। मेरे परिवारजनों, आज के इस अवसर पर मैं भारत भूमि की एक और विशेषता का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। ये भारत भूमि की अद्भुत क्षमता है कि जब जब उसकी चेतना पर प्रहार हुआ, जब जब उसकी चेतना कमजोर पड़ी, देश के किसी न किसी कोने में एक जागृत ऊर्जा पुंज ने भारत को दिशा दिखाने का लिए संकल्प भी लिया, पुरुषार्थ भी किया। और इस पुण्य कार्य के लिए
कोई योद्धा बना तो कोई संत बना। भक्ति काल के हमारे संत इसका अप्रतिम उदाहरण है। उन्होंने वैराग्य और विरक्ति के प्रतिमान गढ़े और साथ ही हमारे भारत को भी गढ़ा। अब पूरे भारत को देखिए, दक्षिण में आलवार संत और नायनार संत थे, रामानुजाचार्य जैसे आचार्य थे, उत्तर भारत में तुलसीदास, कबीरदास, रविदास और सूरदास जैसे संत हुए, पंजाब में गुरु नानक देव हुए, पूरब में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों का प्रकाश तो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। पश्चिम में भी गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम और नामदाव जैसे संत हुए। सबकी अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं थी, लेकिन फिर भी सबका संदेश एक ही था, उद्देश्य एक ही था। देश के अलग अलग क्षेत्रों से भक्ति और ज्ञान की जो धाराएं निकली, उन्होंने एक साथ मिलकर पूरे भारत को जोड़ दिया। और साथियों, मथुरा जैसा ये पवित्र स्थान तो भक्ति आंदोलन की इन विभिन्न धाराओं का संगम स्थान रहा है। मलुकदास, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवंश प्रभु जी जैसे कितने ही संत यहां आए। उन्होंने भारतीय समाज में नई चेतना फूकी, नए प्राण फूके। ये भक्ति यज्ञ आज भी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से निरंतर जारी है। मेरे परिवारजनों, व्रत के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। अर्थात वृंदावन जैसा पवित्र वन कहीं और नहीं है, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं है, यहाँ के बंशी वट जैसा वट नहीं है और कृष्ण के नाम जैसा कल्याणकारी नाम नहीं है। ये वृद्ध क्षेत्र भक्ति और प्रेम की भूमि तो है ही, ये हमारे साहित्य, संगीत, संस्कृति और सभ्यता का भी केंद्र रहा है। इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रज भूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदार राज्य के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण भी तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। ब्रज रज महोत्सव जैसे कार्यक्रम विकास की इस धारा में अपना प्रकाश भी बिखेर रही है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र
कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। साथियों, ब्रज क्षेत्र में देश में हो रहे हैं बदलाव, ये विकास केवल व्यवस्था का बदलाव नहीं, ये हमारे राष्ट्र के बदलते स्वरूप का, उसकी पुनर्जागृत होती चेतना का प्रतीक है। और महाभारत प्रमाण है कि जहां भारत का पुनरुत्थान होता है वहां उसके पीछे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर होता है। उसी आशीर्वाद की ताकत से हम अपने संकल्पों को पूरा करेंगे और विकसित भारत का निर्माण भी करेंगे। एक बार फिर आप सभी को संत मीराबाई जी की 525वीं जयंती पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इन तमाम व्यस्तताओं के बीच भी समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम में आपका शुभागमन हुआ है, यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। देवी और सज्जनों, आपसे ये बता दें, आप प्लीज अपने स्थान पर ही बैठें, कृपया विराजें अपने स्थान पर। आज हम सबको यह सौभाग्य मिलेगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सानिध्य में जब वे दर्शक दीर्घा में पधार रहे हैं तो हम उनके सानिध्य में आज की बहुत ही विशेष प्रस्तुति, जो कि 525वें जन्मोत्सव जिसका आज शुभारंभ हुआ है संत मीराबाई के, उस पर आधारित एक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति भारत की प्रख्यात नृत्यांगना, अभिनेत्री, कलाकार और हमारी लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी जी के माध्यम से और उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वो प्रस्तुति, उसके लिए मंच सज्जा में थोड़ा सा समय चाहिए, लगभग 5 से 7 मिनट का, और उसके बाद ये मंच पर 525 वर्षों की पुरानी जो कथा है, वो कथा जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है, उस कथा को मीराबाई, संत मीराबाई के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के माध्यम से यहाँ हेमा मालिनी जी की प्रस्तुति के रूप में उसे देखने का, उसे सुनने का अवसर हम सबको मिलेगा। प्रधानमंत्री महोदय के आभार के साथ साथ यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण और सभी विभूतियों का मंच पर उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आभार, और सभी आप सबके बीच में, दर्शकों के बीच में स्थान ग्रहण कर रहे हैं, आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजें। सिर्फ 5 मिनट का वक्त इस बात के लिए कि मंच हम अगली प्रस्तुति के लिए तैयार करें, और उसके बाद हेमा मालिनी जी और उनके कलाकारों का दल आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है संत मीराबाई के जीवन पर आधारित एक बहुत सुंदर आकर्षक प्रस्तुति नृत्य नाटिका के रूप में। देवी सज्जनों, आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजें। भैया साउंड वाले भैया, इनको एंकर को माइक यहाँ चाहिए, कुछ माइक कोई एंकर को पीछे चाहिए। अपने माइक बंद कर दो, इनका माइक चालू कर दो, बस छोड़ दो।